हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन अभी देने वाली हूँ वो आपके उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ये गेट एग्जामिनेशन दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कल दैट इज़ 21 फरवरी को आपकी जो आंसर शीट है, रिस्पॉन्स जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की है, वो आपको अवेलेबल करा दिए गए थे। आपका जो खुद का रिस्पॉन्स था वो आपको 15 फरवरी को ही अवेलेबल करवा दिया गया था, और आज दैट इज़ 22 से लेकर 25 फरवरी तक के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर मार्क किया था दैट वाज करेक्ट एंड नॉट व्हाट वाज प्रोवाइडेड, व्हाट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गेट इज़ करेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को विद अ पेमेंट ऑफ 500 फॉर ईच क्वेश्चन। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप श्योर हैं कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है और जो गेट के आंसर की में आंसर दिया गया है वो नहीं, तो डेफिनेटली इस जो यहाँ पे आपको चैलेंज करने का ऑप्शन आपको दिया गया है उसको ज़रूर कीजिए। बिकॉज जब आप करते हैं यू नेवर नो कि एक नंबर से भी आपको कितना ज़्यादा कहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है, या दो नंबर से भी कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन योर श्योरिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पैसे इन्वॉल्व है और आप स्टूडेंट हो, ऑफकोर्स पैसे बहुत कीमती होते हैं आप बच्चों के लिए, सभी के लिए एक्चुअली, बट आप बच्चे रहते हो तो पेरेंट्स इमोशनली डिमांड करते हो फॉर मनी, और उस केस में आई वुड रिक्वेस्ट यू कि उसको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। जहाँ आपको लगता है एकदम श्योर श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है तो उस जगह डेफिनेटली आप चैलेंज कीजिए। बाकी 17 मार्च को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है, और स्कोर कार्ड वगैरह आपको 21 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगा, उसके अपडेट आपको अकॉर्डिंगली हम दे देंगे। तो बस इतना ही अपडेट है इस पर्टिकुलर समय पर, और टेक केयर एवरीवन, और डोंट यूज़ कीजिए इस प्रोसेस को, ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।